सो हेलो दोस्तों, आज मैं आ चुका हूँ होंडा बिग विंग्स हल्दिया पे। एंड इधर आज मैं करने वाला हूँ होंडा CB300R का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। इस बाइक का अभी प्राइस कितना क्या चल रहा है, बाइक के ऊपर आप लोग क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है, बाइक में आप लोग क्या क्या कॉम्पोनेंट यूज किया गया है, बाइक में DOSC इंजन से लेके जितना भी जो भी इक्विपमेंट है, डिस्क ब्रेक को लेके आप लोगों का डिस्क ब्रेक का कैलिपर जितना भी है, एंड बाइक का मीटर कंसोल सबका आप लोग को एक पूरा डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू करूंगा इस वीडियो में। सो पूरा वीडियो देखते रहे। एंड आप लोग अगर होंडा का कोई भी बाइक चाहिए देन आप लोग होंडा बिगविंग्स हल्दिया पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इधर आपको होंडा का किसी भी वैरायटी का आप लोग को जो बिगविंग्स का बाइक है सारा का सारा देखने को मिल जाएगा। एंड शोरूम का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से चेकआउट कर लीजिए। अगर फ्रंट से बात करें तो फ्रंट पे आप लोगों को जो है ये राउंड शेप का फुल्ली एक LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा। एंड जिसका जो लुक है एक बहुत बढ़िया लुक देखने में मिल जाता है। रोड प्रेजेंस क्या तगड़ा मिलता है। फ्रंट पे आप लोगों को ऐसे शेप का फुल्ली LED में हेडलैम्प एंड आपको दोनों का जो इंडिकेटर है ये भी आप लोगों को LED सेगमेंट में मिलता है। एंड जिसका क्वालिटी है बराबर बहुत प्रीमियम लगता है देखने को। एंड इसका ये वाला है जो नॉर्मल बाइक आप लोग चलाओगे नहीं, की ऑन करोगे देन आप लोग का ऐसे चलता रहेगा। एंड आप लोग अगर ऐसे हाई बीम चलाओगे देन आप लोगों को हाई बीम का ऑप्शन चलेगा। एंड जिसका थ्रो भी बहुत तगड़ा है। आपको साइड में जो है गोल्डन फिनिश के ऊपर आप लोग को USD सस्पेंशन फॉक देखने को मिल जाता है बाइक पे। एंड बाइक पे अगर फ्रंट की मडगार्ड की बात करें सो ये जो बाइक है मेरे सामने पूरी रेड कलर के ऊपर है। इसका और एक वेरिएंट आता है जो आपको मैट ब्लैक कलर के ऊपर आता है। सो इसका भी फ्रंट की अगर मडगार्ड की बात करें सो ये भी आपको टैंक कलर में मिलता है रेड कलर के ऊपर। उसके ऊपर आपको इधर ABS का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। एंड बाइक जो है डुअल चैनल ABS के ऊपर बना हुआ है। एंड देन अभी अगर आते हैं इधर बाइक की डिस्क की तरफ सो आपको बड़ा सा एक डिस्क देखने को मिल जाता है। आपको बाइक में 296 cc का आपको बड़ा सा डिस्क देखने को मिल जाएगा। एंड इधर आपको निसिन का कैलिपर मिलता है प्रीमियम सेगमेंट का, जिससे आपका बाइक का जो ब्रेकिंग क्वालिटी है वो आपको किसी हद तक एनहेंस कर देगा। एंड अभी अगर बाइक की आप लोगों को फ्रंट की टायर की बात करें सो फ्रंट में आप लोगों को 110x17 इंच के व्हील के ऊपर आप लोगों को टायर मिल जाएगा। 110x17 इंच के व्हील के ऊपर आपका फ्रंट की टायर देखने को मिल जाता है। एंड अभी अगर बाइक की टैंक की बात करें सो टैंक जो है आप लोगों को बाइक में 9.7 लीटर का देखने को मिलता है। एंड अभी अगर बाइक की इधर बात करें आपको बाइक का टैंक जो है डुअल फिनिश के ऊपर मिलता है। इधर आपको रेड कलर दोनों साइड में एंड पीछे इधर आपको मैट ब्लैक कलर को भी देखने को मिल जाएगा। एंड इधर आपको E20 का ब्रांडिंग मिलेगा। एंड बाइक जो है E20 फ्यूल के साथ कॉम्पिटेबल है। सो आप लोग 20% इथेनॉल वाला फ्यूल डाल के बाइक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर आप लोगों का होंडा का ब्रांडिंग मिलेगा। एंड इधर आपको फ्यूल कैप का ऑप्शन कुछ ऐसा क्वालिटी का देखने को मिलेगा। एंड अभी अगर बाइक की हैंडल बार की बात करें सो इधर जो है आपका पासिंग का स्विच जो है इधर मिल जाता देखने को। एंड ये वाला आपको हॉर्न का स्विच एंड नीचे आपको इंडिकेटर का दोनों साइड का स्विच आपको मिल जाएगा। एंड आपका बाइक का अगर हैंडल बार की बात करें हैंडल बार आपका कुछ इस हद तक शेप का एक स्ट्रेट हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। एंड अभी अगर ये वाला स्विच की बात करें सो इधर जो है आप लोगों को एक ही स्विच में किल सेल्फ एंड उसके बाद आप लोगों का सेल्फ स्टार्ट मिल जाएगा। एंड इधर जो है आप लोगों का हैजार्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है। एंड बाइक की अगर अभी साइलेंसर नोट की बात करें तो साइलेंसर नोट एक बार सुन लीजिए। सो बाइक का साइलेंसर नोट कुछ इस हद तक देखने को था। एंड अभी अगर बाइक की मीटर की बात करें सो मीटर में जो है आप लोगों को इधर फ्यूल गेज मीटर, इधर आपको RPM मीटर, इधर आपको नॉर्मल से आपको स्पीड मीटर, इधर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, उसके बाद इधर आपका एवरेज फ्यूल, इधर आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है इधर। एंड इधर जो है आपका ट्रिप ए ट्रिप बी एंड उसका जो सेट का ऑप्शन आपको ये दो स्विच में कंट्रोल करने को मिल जाएगा। एंड बाइक में आप लोगों को जो है डिस्टेंस एंड बाइक में आप लोगों को जो है डिस्टेंस टू MT मतलब बाइक में कितना फ्यूल है उससे गाड़ी कितना देर तक चलेगा उसका भी आप लोग एक अंदाजा कर सकते हो इधर देख के। उसपे अगर अभी बॉडी की बात करें बॉडी आपको फुल रेड कलर के ग्लॉसी फिनिश में देखने को मिल जाएगा। इधर आपको होंडा का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड इधर इसके बाद इधर ब्लैक कलर का और एक ऐसा पुल्ली फाइबर शेप के ऊपर बना हुआ है। एंड इसका थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी अच्छा होता तो देखने को मज़ा आता। इधर आप लोग को जो CB का स्टिकरिंग CB300R का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है एक गोल्ड फिनिश के ऊपर, इधर रेड फिनिश में स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। एंड देन अभी आते हैं इंजन की तरफ। सो इंजन देख पा रहे
मैं इस पार से उस पार नहीं देख सकता, पूरा आपको फिलअप करके एक इंजन दिया गया है। एंड इंजन का जो लुक है बहुत बढ़िया लगता है। एंड बाइक पर आप लोगों को DOAC इंजन देखने को मिलता है, इधर आपको होंडा का एक ब्रांडिंग देखने को मिलेगा मेटल फिनिश के ऊपर। एंड अभी अगर इंजन की स्पेक्स की बात करें तो बाइक में आप लोगों को 280cc सिंगल सिलेंडर DOAC 4 वाल्व लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्शन इंजन देखने को मिलता है। एंड इंजन के पावर एंड टॉर्क की रेशियो की बात करें तो आपको 31 PS की आपको पावर एंड 27 N का टॉर्क इस बाइक से देखने को मिल जाएगा। एंड अभी अगर बाइक की इधर की अगर फुट रेस्ट की बात करें, आपको जो राइडर फुट रेस्ट है वो लोग कुछ इस हद तक देने को मिलेगा। एंड इधर आपको ब्रेक लीवर जो है आपको मेटल फिनिश में कुछ इस तक ब्लैक कलर को देखने को मिल जाता है। एंड बाइक अगर राइडर फुट रेस्ट की बात करें, राइडर फुट रेस्ट आपको एडजस्टेबल में देखने को मिलता है। एंड पिलोन फुट रेस्ट आपको एल्यूमिनियम फिनिश के ऊपर एडजस्टेबल में देखने को मिल जाता है। तो बाइक अगर कभी गिर जाएगा तो ये आपका ऐसे जो है सेम में आ जाएगा, तो तोड़ेगा नहीं, सो ये टूट जाए। सो बाइक कभी अगर गिरता है सो ऐसे बैंड हो जाएगा बाइक, जो है ये जगह भी टूटेगा नहीं इतना। एंड अभी अगर बाइक की साइलेंसर की बात करें तो साइलेंसर आपको कुछ इतना बड़ा एक साइलेंसर देखने को मिल जाता है। देखिए साइलेंसर के ऊपर इधर आपको CV का एक ब्रांडिंग देने को मिलेगा। एंड ए वाला जो पार्ट है आपको फुल्ली एलुमिनियम के ऊपर मिल जाता है मेटल फिनिश के ऊपर। एंड बाइक के जो मफलर है, मफलर कवर जो है आपको फुल्ली एलुमिनियम फिनिश को देखने को मिल जाता है बड़ा सा। एंड इसका जो एग्जॉस्ट नोट है आपको बहुत बेसी एग्जॉस्ट नोट देखने को मिल जाता है। एंड अभी अगर बाइक की सीट की बात करें तो बाइक पे आप लोगों जो है स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड सीट की अगर कुशनिंग की बात करें, सीट का कुशनिंग आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, ज़्यादा कुशनिंग आप लोगों को नहीं मिलता है, ठीक ठाक एक कुशनिंग देखने को मिल जाता है। एंड अभी अगर बाइक की दोनों ग्रैब रेल की बात करें तो ग्रैब रेल आप लोगों को थोड़ा सा प्लास्टिक का देखने को मिलता है। ग्रैब रेल अगर थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता है कंपनी तो एक अच्छा खासा हो जाता, पर ग्रैब रेल का अभी अगर क्वालिटी की बात करें क्वालिटी बड़ा ठीक ठाक ही है। पर अब पीछे का लाइट की बात करें, पीछे आपको टेल लैम्प जो है फुल LED में देखने को मिल जाएगा। एंड टेल लैम्प का क्वालिटी एक प्रीमियम सेगमेंट का लगता है, इंडिकेटर एंड टेल लैम्प दोनों ही है, दोनों आपको प्रीमियम सेगमेंट लगेगा। पीछे का आपको इंडिकेटर जो है ये भी आप लोगों को फुल्ली डिजिटल में, एंड पीछे का अगर इंडिकेटर की बात करें ये आप लोगों को जो है फुल्ली LED फिनिशिंग में देखने को मिल जाता है। इधर आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह, एंड इसके ऊपर और एक इधर लाइट दिया गया है देख सकते हैं, ये आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एंड पीछे की टायर की बात करें, पीछे आपको 150 सेक्शन का चौड़ा रेडियल टायर देखने को मिल जाता है। एंड पीछे की अगर टायर की साइज़ की बात करें, पीछे आपको 150x60 16 इंच के व्हील के ऊपर आपको एक रेडियल टायर देखने को मिल जाएगा। एंड पीछे की अभी अगर टायर की बात करें तो पीछे आपको 150x60 17 इंच के व्हील के ऊपर आपको रेडियल टायर देखने को मिलेगा। एंड टायर की अगर चौड़ाई की बात करें, टावर बहुत चौड़ा एक टावर देखने को मिल जाएगा, जिसका रोड प्रेजेंस एंड रोड जो ग्रिपिंग है एंड ब्रेकिंग स्टेबिलिटी एक तगड़ा मिल जाएगा देखने को आपको। एंड पीछे की अभी अगर डिस्क ब्रेक की बात करें, पीछे आपको 220mm का आपको पीछे का डिस्क मिलता है। एंड डिस्क के ऊपर आपको निसिन का कैलिपर देखने को मिल जाएगा पीछे। एंड बाइक पे जो है डुअल चैनल ABS के ऊपर बाइक बना हुआ है। एंड देन अभी अगर पीछे की आप लोगों को सस्पेंशन की बात करें तो पीछे आप लोगों को 7-स्टेप एडजस्टेबल आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, एंड जो कि रेड कलर के ऊपर है देख सकते हैं। एंड इधर आपको मडगार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कुछ इस हद तक। एंड पीछे पे का मडगार्ड इधर आपको कुछ एडजस्टेबल नहीं मिलता है, आपको एक ऐसा मडगार्ड देखने को मिल जाता है, पर मडगार्ड का क्वालिटी ठीक ठाक ही मिलता है। मडगार्ड सब कुछ बाइक पे ठीक ठाक है, थोड़ा अगर ग्रैब रेल अगर सही कर देगा एंड इसका क्वालिटी अगर थोड़ा सा सही कर देगा तो ठीक ठाक लगेगा, बस यही एक दिक्कत है और कुछ नहीं बाइक पे। एंड अभी अगर इस साइड की बात करें तो इधर आप लोगों को जो है साड़ी गार्ड का ऑप्शन कुछ इस हद तक देखने को मिल जाएगा। तो बाइक पे साड़ी गार्ड दिया हुआ है एक अच्छी बात है, एंड बाइक पे वो चेन सिस्टम जो है आपको ओपन चेन सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है बाइक पे। सो आप लोगों को 500 से 600 किलोमीटर बाद आप लोगों को चेन क्लीन करके रखना पड़ेगा, सो आपका चेन का जो लॉन्गजिविटी है ज़्यादा दिन तक रहेगा। एंड अभी अगर इधर बाइक की बात करें सो बाइक पे जो है आपको मैनुअल 6-स्टेप एडजस्टेबल गियर मिल जाता देखने को, जिसका 1 डाउन उसके बाद न्यूट्रल एंड 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आपको ऊपर की तरफ है, ये जो है आपको मेटल फिनिश के ऊपर मिल जाता देखने को। एंड अभी अगर इंजन की इस साइड की बात करें, इधर भी आपको होंडा का एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। एंड इधर से आप लोगों को बाइक का कुछ लुक इस हद तक देखने को मिलता है, इधर आपको रेड कलर ब्लैक कलर के ऊपर कॉम्बिनेशन, इधर आपको CV300R का एक लोगो देखने को ऐसे आपको शेप का मिलेगा, इधर आपको हॉर्न का ऑप्शन देखने को मिल जाता है।
सो अभी अगर आप लोगों इस बाइक की प्राइसिंग की बात करें, सो हमारे हेल्दी के हिसाब से इस बाइक का जो प्राइसिंग चल रहा है 240,100 प्राइस में आप लोगों को बाइक देखने को मिल जाएगा। एंड हर स्टेट का जो है 100 प्राइस है और भी अलग अलग रहता है। एंड इस बाइक का हेल्दी के हिसाब से ऑन रोड जो प्राइस है 286,000 ऑन रोड प्राइस में आप लोग ये बाइक देखने को मिल जाता है हेल्दी के हिसाब से। एंड आप लोग अगर आपका स्टेट का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, मैं आपको आप स्टेट का ऑन रोड प्राइस बता दूंगा। एंड आप लोग अगर बाइक ईएमआई में लेने का सोच रहे हो देन आप लोग को मिनिमम 45,000 या 50,000 मिनिमम डाउन पेमेंट देने से ये बाइक मिल जाएगा। एंड उसके लिए आप लोग को जितना भी डिटेल्स है आप शोरूम कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोग को पूरा का पूरा डिटेल्स बता दिया जाएगा। एंड इस बाइक के ऊपर और एक ऑफर तो मैं आप लोग को बताना ही भूल गया, आप लोग का एज अगर 18 से 25 तक है ना देन आप लोग को एक्स्ट्रा अप टू 12,500 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने को मिल जाएगा। एंड उसके लिए जल्द से जल्द क्या करना पड़ेगा, शोरूम पे कॉन्टैक्ट कीजिए। बाइक का डिटेल वगैरह रिव्यू प्राइस जितना भी था पूरा का पूरा मैंने डिस्कस कर दिया इस पूरा वीडियो में। सो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को कर दीजिए जल्दी से 1K सब्सक्राइबर।